सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ब्रुस्टो फाइन आर्ट ग्रेफाइट पेंसिल्स की। तो ये मैं पहले यूज़ करता था, अभी कुछ टाइम से मैं यूज़ नहीं कर रहा था, इस रिलर की पेंसिल यूज़ कर रहा था। तो फिर से मैंने इसे ऑर्डर करा था, तो मैंने सोचा कि एक बार रिव्यू वीडियो बना दूँ कि ये पेंसिल्स जो है वो कैसी है और कैसा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पेंसिल हमें कैसा रिजल्ट देता है और कैसा डार्कनेस रिजल्ट मिल जाता है हमको स्टीलर पेंसिल के कंपैरिजन में। एंड आउटलाइन की जो पेंसिल होती है जो काफ़ी ज़्यादा डार्क रिजल्ट देता है, स्पेशली 10B, तो उसके कंपेयर में ये कैसा रिजल्ट हमें देता है वो चीज़ हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि कुछ इस तरह से हमें दिखता है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आउट ऑफ द बॉक्स आपको 12 पेंसिल्स मिलते हैं जो कि डिफरेंट ग्रेड के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2S से लेके 10B तक के सारे ग्रेड्स आपको मिल जाते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस कि पहले भी मैंने इस पेंसिल को यूज़ करा है, तो अभी कुछ दिनों से मैं स्टीलर पेंसिल से ड्रॉ कर रहा था, बीच में मैंने डॉम्स के पेंसिल से भी ड्रॉ करा है। तो अभी फिर से मैंने इसे ऑर्डर करा था, ये पेंसिल्स जो एकदम ख़त्म हो गई थी। एंड आगे की कुछ ड्राइंग्स मैं अभी इसी पेंसिल से बनाऊंगा, तो आपको इंस्टाग्राम पर सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अब हम लोग इसे चीपेस्ट रेंज वाले जितने भी पेंसिल्स होते हैं उन सब पेंसिल से कंपेयर कर लेते हैं। वैसे करनी तो नहीं चाहिए क्योंकि ब्रुस्टो पेंसिल की प्राइस जो है वो इन सभी पेंसिल से ज़्यादा है, बट कुछ लोगों को लगता है कि महंगी पेंसिल से ही अच्छी ड्राइंग बनती है, तो मैं उसके लिए आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। सो गाइज, इसमें एक तरफ हमने आर्ट लाइन की 2B पेंसिल यूज़ करा और दूसरी तरफ हम लोग ब्रुस्टो वाली पेंसिल यूज़ कर लेंगे 2B। सो देखते हैं गाइज इनमें से कौन सी पेंसिल बेटर परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा कि ब्रुस्टो की पेंसिल जो है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क रिजल्ट ऑप्ट करा है। तो नेक्स्ट हम लोग 8B की पेंसिल ट्राई कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि ब्रुस्टो वाली जो 8B की पेंसिल है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क रिजल्ट हमें दिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं 10B की पेंसिल। तो यहाँ पर भी ब्रुस्टो जो है मुझे थोड़ा ज़्यादा डार्क लगा एज कम्पेयर टू आर्ट लाइन पेंसिल। सो गाइज, अब हम लोग इसको ब्रश से ब्लेंड कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। सो गाइज, यहाँ पर दोनों ही पेंसिल काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। तो अब हम लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा पेंसिल यूज़ करके देख लेते हैं कि उनमें कैसा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम कैमलिन एंड अप्सरा की पेंसिल्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैमलिन यूज़ करते हैं। तो हम कैमलिन की पेंसिल 2B पहले यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज, आप देख सकते हो कैमलिन थोड़ा ज़्यादा लाइट रिजल्ट दे रहा है हमें। तो अब हम लोग 8B ट्राई कर लेते हैं। तो 8B से हमें सही रिजल्ट मिल रहा है। एंड अभी हमारे पास कैमलिन की 10B पेंसिल अवेलेबल नहीं है। सो अब हम लोग अप्सरा की पेंसिल्स को भी टेस्ट कर लेते हैं गाइस। सो यहाँ हमें अप्सरा से भी बेटर रिजल्ट देखने को मिला है। सो गाइज, आपको कौन सी वाली ग्रेड जो है वो सही लग रही है तो आप हमें कमेंट्स पे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मेरे को ब्रुस्टो की पेंसिल्स काफ़ी सही लगी है
एंड साथ ही आउटलाइन वाली पेंसिल भी सही है, लेकिन आप थोड़ा सा देख सकते हो कि टेक्सचर हमें देखने को मिल जाता है आउटलाइन वाली पेंसिल में, जो कि आपको ब्रुष्टो में नहीं देखने को मिल रही है। एंड ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि आउटलाइन की पेंसिल जो है वो थोड़ा ज़्यादा साइन कर रहा है एज़ कम्पेयर टू ब्रुष्टो पेंसिल। एंड सेम यहाँ पर जो कैमलिन की पेंसिल है तो वहाँ भी 2B पर हमें ज़्यादा टेक्सचर देखने को मिला, तो कैमलिन की पेंसिल जो है वो उससे बेटर आउटलाइन है। और अप्सरा की पेंसिल की अगर बात करें तो यहाँ भी हमें थोड़ा बहुत टेक्सचर देखने को मिलता है, जो कि हमें ब्रुष्टो की पेंसिल्स में जरा सा भी टेक्सचर देखने को नहीं मिला। इसका मतलब है कि जो ग्रेफाइट है वो काफ़ी सॉफ्ट है और ईजी टू ब्लेंड है। तो ब्रुष्टो की पेंसिल से आप जो भी ड्राइंग बनाओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी स्मूथ शेडिंग मिलने वाली है। एंड हाँ, और एक बात गाइस कि ब्रुष्टो की पेंसिल अगर आप शार्प करते हो तो उतनी जल्दी टूटती नहीं है, जैसे कि आउटलाइन और अप्सरा की पेंसिल से अगर आप शार्प करोगे तो वो बहुत जल्दी टूटेगी। सो गाइस अब हम लोग इरेज करके देख लेते हैं कौन सी पेंसिल ईजिली इरेज हो जाती है। सो सबसे पहले हम लोग मोनो इरेजर से टेस्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर 2B ग्रेड के पेंसिल्स आराम से इरेज हो जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोई ख़राब परफॉर्म कर रहा है, सभी में सेम इरेज हुआ है। तो अब हम लोग 8B ग्रेड के पेंसिल्स को इरेज करके देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो इसे इरेज करना काफ़ी मुश्किल है। सो अब हम लोग इलेक्ट्रिक इरेजर यूज़ करते हैं इरेज करने के लिए और देखते हैं कि इससे हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। सो गाइज यहाँ पर 2B ग्रेड के पेंसिल्स बहुत ही आसानी से इरेज हो जाती है, लेकिन 8B ग्रेड पर आप देख सकते हो बहुत ही मुश्किल हो जाती है इसे इरेज करना, और 10B ग्रेड तो बिल्कुल नहीं होगी। सो 10B ग्रेड को इरेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। सो गाइज जैसा कि आपने देखा वीडियो में कि ब्रुष्टो की पेंसिल हमें ज़्यादा डार्क रिजल्ट देता है एज कम्पेयर टू अदर पेंसिल्स लाइक स्टीटलर एंड आउटलाइन पेंसिल्स, तो मुझे लगता है कि ये पेंसिल्स आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। एंड ये 300 टू 400 के बीच में आती है, जो कि वैल्यू फॉर मनी है। सो ये थी गाइस ब्रुष्टो पेंसिल्स की क्विक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।